बीमारियों से अगर आप है परेशान, क्या करें क्या ना करें अगर सोच ने कर दिया है आपको हैरान, नहीं मिल रहा अगर आपको कोई आराम, क्या मन में है ऐसे कई सवाल जो पूछना चाहते हैं आप डॉक्टर से, तो हो जाइए तैयार। डायबिटीज, ओबेसिटी, हार्ट प्रॉब्लम्स और कैंसर जैसी जटिल बीमारियों पर आपका अपना शो माय डॉक्टर, सिर्फ वीकेबी न्यूज पर। हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू वीकेबी माय डॉक्टर एंड आई एम मीनाक्षी योर होस्ट फॉर द शो। बच्चा जब जन्म लेता है, व्हेन द बेबी गेट्स डिलीवर्ड, सबसे पहले जो बात आती है जेंडर की, जेंडर आइडेंटिटी की। बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है, तब एक दौर ऐसा आता है जब उसमें कन्फ्यूजन होता है एट मेनी केसेस कि जेंडर आइडेंटिटी को लेकर बहुत कन्फ्यूजन होता है। इसे जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर यानी कि जेंडर डिस्फोरिया कहते हैं। अब ये होता क्या है, इसे किस तरह पे काम किया जा सकता है, इसे किस तरह ओवरकम किया जा सकता है, इसके साथ साथ वी विल बी टॉकिंग अबाउट HRT, दैट इज हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसके साथ कहने में दो राय नहीं होगा बिकॉज वी आर लिविंग इन द 21st century, लेकिन स्टिल ऐसे कई सब्जेक्ट हैं जिस पे हम आज बात करने वाले हैं। इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, इस पर एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे कई इश्यूज हैं जिस पर बहुत लोग इसे सफ़र कर रहे हैं, इस पर बात करना ज़रूरी है। इसके साथ ऐसी कई चीज़ें हैं जिस पर फोकस करना, लाइमलाइट लाना बहुत ज़रूरी, बिकॉज आई थिंक कि अब भी इस पर डिस्कशन नहीं होता है, अब भी इस पर बातें नहीं होती हैं, अब भी इस पर एक अवेयरनेस बहुत कम है। इस सारी बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं साइकेट्रिस्ट डॉक्टर सुरभि मित्रा। डॉक्टर सुरभि, बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम टू आवर शो। सबसे पहले ये जो जेंडर है जी, व्हाट इज दिस जेंडर, सबसे पहले बहुत अजीब सा लगेगा पूछने में लोगों को, नहीं जेंडर तो हमें भी पता है, बट आपसे जेंडर। तो जेंडर एक्चुअली लोगों को पता नहीं होता है ऑनेस्टली, तो जनरली लोग सेक्स को ही जेंडर समझ बैठते हैं। तो सेक्स इज डिफाइंड बाय योर सेक्सुअल ऑर्गन्स जिसके साथ आप पैदा होते हो, तो हम उसे असाइंड एट बर्थ कहते हैं। तो बेसिकली आपको जो सेक्स मिलता है दैट इज असाइंड एट बर्थ, डिफाइंड बाय योर सेक्सुअल ऑर्गन्स एंड बाय योर फिजिकल लुक। ओके, ठीक है। जेंडर इज इन योर माइंड, जेंडर इज समथिंग दैट यू फील फ्रॉम विद इन, दैट इज योर आइडेंटिफाइड जेंडर। मतलब आप किसी और के बॉडी में रहकर भी, सपोज आप फीमेल के बॉडी में हो बट यू मे आइडेंटिफाई एज अ मैन फ्रॉम विद इन। अगर आप मेल के बॉडी में पैदा हुए हो, यू मे आइडेंटिफाई एज अ फीमेल फ्रॉम विद इन, तो उसे जेंडर कहते हैं। जेंडर इज इन द माइंड, बी वेरी क्लियर, एंड सेक्स इज डिफाइंड बाई योर फिजिकल लुक एंड बाई योर सेक्शुअल ऑर्गन्स। ओके, आइडेंटिटी की जब बात आती है जी, व्हाट इज दिस? तो जेंडर आइडेंटिटी मतलब कि आप किस चीज से आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग जैसे मैंने अभी कहा कि यू कैन बी इन अ मेल्स बॉडी बट आइडेंटिफाई एज अ फीमेल, बट समटाइम्स आप यू कैन आइडेंटिफाई एज नथिंग एट ऑल, विच इज कॉल्ड नॉन बाइनरी। तो ये डेफिनेशंस हमने देकर रखी है पहले से कि बाइनरी होता है, मतलब एक मेल एक फीमेल होता है और कुछ नहीं होता है, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। देयर आर सो मेनी जेंडर्स, जेंडर इज समथिंग विच इज वेरी फ्लूइड। समटाइम्स आप किसी एक के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हो, समटाइम्स किसी दूसरे के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हो। मतलब चलो मैं एक अच्छा एग्जांपल देती हूँ, जैसे रोज हम घर पे बिहेव करते हैं, ठीक है, तो एक स्टीरियोटिपिकल रोल बोलते हैं ना कि वी असाइन कि एक फीमेल रोल ने ऐसा प्ले करना चाहिए और एक मेल रोल ने ऐसा प्ले करना चाहिए। तो फादर ऑफ द फैमिली इज सपोज टू यू नो फेच ग्रोसरीज, गाड़ी ठीक करना उनको आना चाहिए या गाड़ी धोने का काम उनका है, लॉन मोइंग का काम उनका है, और मदर्स का काम है कुकिंग, मदर्स का काम है बच्चों को तैयार करना, फादर्स का काम है उनको ड्रॉप करके आना। ये हमने एक स्टीरियोटाइप बना के रखा है। वेरी ट्रू। वेयरएज अगर हम हमारे ही घर में देखेंगे तो कितनी बार ये रोल्स फॉलो नहीं करते हैं। वेरी ट्रू। जैसे फादर मे लाइक कुकिंग, द मदर मे गो आउट फॉर शॉपिंग एंड गेट द ग्रोसरीज, द मदर मे ड्रॉप द चिल्ड्रन एंड फादर शायद बच्चों को रोज तैयार करें। तो इसीलिए ये जेंडर रोल्स हम कहते हैं कि बहुत फ्लूइड होते हैं, ये आइडेंटिटी बहुत फ्लूइड होती है। एंड सिमिलरली जैसे मैंने एक बात की नॉन बाइनरी की, अब जरूरी नहीं है कि आप दोनों के साथ भी आइडेंटिफाई करो, आप स्टीरियोटिपिकली दोनों रोल्स के साथ नहीं कर रहे हो आइडेंटिफाई,
सो इट्स नॉन बाइनरी विच मीन्स यू आर ऑल्सो जेंडर फ्लूइड ओके विच मीन्स आप किसी भी रोल में खुद को इजिली ढाल सकते हो तो इतने आइडेंटिफिकेशन होते हैं सिमिलरली हम बोलते हैं ट्रांस मैन ट्रांस वुमन ठीक है तो ट्रांस मैन क्या होता है ट्रांस मैन और ट्रांस वुमन में लोगों को इतना बड़ा कंफ्यूजन है कि लोगों को लगता है कि वो इंटरसेक्स है ठीक है इंटरसेक्स इज कम्प्लीटली डिफरेंट अब इंटरसेक्स मतलब वो लोग होते हैं जिनको दोनों के ऑर्गन्स रह सकते हैं ठीक है दे आर बॉर्न विथ बोथ द ऑर्गन्स मे बी इंटरनली मे बी एक्सटर्नली ठीक है जिन्हें हम किन्नर कहते हैं ठीक है तो काफी लोग ये कंफ्यूज कर जाते हैं कि ट्रांस आइडेंटिटी मतलब किन्नर आइडेंटिटी होती है जबकि ऐसा नहीं है ट्रांस आइडेंटिटी का मतलब ही ये है कि वो एक ही उनमें ऑर्गन्स है एक ही पर्टिकुलर जेंडर के जेंडर नहीं सेक्स एक ही पर्टिकुलर सेक्स के उनमें ऑर्गन्स है बट दे जस्ट आइडेंटिफाई एज अनदर जेंडर नॉट विद देयर ओन ऑर्गन्स सो दे आर नॉट सैटिस्फाइड विद देयर ओन बॉडी Okay. उन्हें लगता है कि मैं गलत बॉडी में पैदा हो गया हूँ या पैदा हो गई हूँ एंड देन दैट इज हाउ दे आइडेंटिफाई तो ट्रांस मैन इज समवन ठीक है हु इज बॉर्न विद फीमेल बॉडी बट आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ मेंटली एज अ मैन एंड सो हैपेंस विद ट्रांस वुमन ट्रांस वुमन मतलब बॉर्न विद अ मेल बॉडी सॉरी फीमेल बॉडी बट आइडेंटिफाई सॉरी बॉर्न विद अ मेल बॉडी यस बॉर्न विद अ मेल बॉडी But identifies as a female mentally and is not comfortable in this body. Okay. क्या ये normal है confused होना अपनी gender identity को लेकर? बिल्कुल normal है. इसलिए पहले उसको gender identity disorder कहते थे. बहुत पहले. Okay. उसको फिर हटा दिया गया. Okay. क्योंकि वो disorder नहीं है. Okay. उसको change करके डाला गया gender dysphoria. Okay. जिसका मतलब है कि आपको अपने बॉडी में सेटिस्फाइड नहीं फील होना दूसरे जेंडर के साथ आपने आइडेंटिफाई करना उसके वजह से होने वाला डिप्रेशन उसके वजह से होने वाली एंजाइटी जेंडर डिस्फोरिया उसको डिसऑर्डर माना जाता है कि आप उसके वजह से अगर डिप्रेस्ड हो या एंशियस हो या कुछ भी और आपको डिसऑर्डर हो रहा है सो दैट इज अ प्रॉब्लम नॉट आइडेंटिफाइंग विद द अदर जेंडर इट इज नॉट अ प्रॉब्लम अच्छा तो किस तरह हैंडल किया जाता है हाउ पीपल मैनेज इस जेंडर आइडेंटिटी को लेकर तो वही बात है ना काफ़ी लोग अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं दे कांट हैंडल इट वेरी वेल बिकॉज एक तो पूरे टाइम डिस्फोरिया हो रहा है जो मैंने एक्सप्लेन किया पहले पूरे टाइम आपको लग रहा है मैं गलत बॉडी में हूँ मैं गलत बॉडी में हूँ आई एम नॉट सैटिस्फाइड विद दिस आई फील लाइक अ वुमन फ्रॉम विद इन या आई फील लाइक अ मैन फ्रॉम विद इन वॉट शुड आई डू तो पहली चीज़ तो वो बोल ही नहीं पाते हैं किसी को किसको कहेंगे बट उनके बिहेवियर में वो दिखने लगता है राइट जैसे कि ट्रांस वुमन है मेल बॉडी फीमेल आइडेंटिटी तो अब उनको जैसे फीमेल के जो अपन स्टीरियोटाइप बना के रखे हैं कि फेमिनाइन कपड़े जो होते हैं या साड़ियाँ सलवार कुर्ता बोलो ज़्यादा पसंद आता है उन्हें मेकअप ज़्यादा पसंद आता है उन्हें जो भी फीमेल चीज़ें होती है ना एंड बिहेवियर इवन वॉकिंग की उनकी जो स्टाइल होगी या बात करने की जो स्टाइल होती है वॉइस वो लोअर पिच मतलब हायर पिच करते हैं ताकि वो फीमेल जैसा साउंड कर सके तो इसीलिए ये कंफ्यूजन होता है कि ये कहीं किन्नर तो नहीं है जबकि वो वैसा नहीं है इट्स जस्ट दैट दे आर आइडेंटिफाइंग विद दैट पर्टिकुलर ट्रेट्स ऑफ दैट जेंडर सिमिलरली जिनको हम टॉमबॉय कहते हैं ठीक है एक्चुअली टॉमबॉय हम लोग वर्ड साइकेट्री में नहीं यूज करते बट मैं जनरल पब्लिक के नॉलेज के हिसाब से बता रही हूँ तो जैसे एक फीमेल है उसको छोटे बाल रखना पसंद है उसको यू नो स्नीकर्स पहन के बाहर जाना पसंद है उसको फुटबॉल खेलना पसंद है या ऐसे ऐसे जो टिपिकल हमने बना के रखा है कि ये मैन का ही ट्रेट रहना चाहिए बट वो सब उसे पसंद है ड्रेसिंग भी उसका उसी तरीके का है तो शी मे आइडेंटिफाई एज अ ही मेंटली तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है आपको जैसा जीना है आप जी सकते हो वेरी ट्रू एंड दैट्स ट्रू ये मैं बार बार इसीलिए कहूँगी कि हर किसी को राइट है अपनी तरह से रहने का अपनी तरह से जीने का अब भी सॉरी टू से बार बार इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि 21st century में होने के बावजूद इतना ज़्यादा एडवांसमेंट हम टेक्नोलॉजी में हो चुके हैं तो हम अपनी माइंड से क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं क्यों हम इन सारी चीज़ों को इतना सेग्रीगेट कर रहे हैं इन चीज़ों को क्यों इतना अलग अलग तरीके से देख रहे हैं अगर किसी को इस तरह से रहने का मन है तो उसे रहने का फ्रीडम होना चाहिए
हम डिसऑर्डर की जब बात करते हैं, डिस्फोरिया की जो बात करते हैं, ये जो टर्म है, ये टर्म कब से आया कि हाँ ये ऐसा भी कुछ डिसऑर्डर होता है, ये टर्म को किस तरह डिफाइन? तो डिसऑर्डर के नाम से तो वो पहले ही आ गया था बुक्स में, ठीक है। फिर जब ग्रेजुअली रियलाइज हुआ कि ये डिसऑर्डर नहीं है, ये तो एकदम से नेचुरल चीज है कि आपको अगर ये फील हो रहा है कि नहीं आप गलत बॉडी में पैदा हुए हो, या चलो बॉडी छोड़ दो, लेकिन इफ यू आइडेंटिफाई मोर विद द ट्रेट्स ऑफ द अदर जेंडर, तो इसमें क्या गलत है? जब ये रियलाइज हुआ तो जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर को जेंडर डिस्फोरिया में चेंज कर दिया गया। तो अल्टीमेटली बात वही है कि इससे होने वाला जो दुख है, या जो डिप्रेशन है, या जो सैडनेस है, या आप जो अपसेट रहते हो, जो एंजाइटी कॉन्स्टेंटली आपको फील होते रहती है, या उसके वजह से होने वाले दूसरे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स जब होने लगते हैं, तब उसको जेंडर डिस्फोरिया का नाम दिया जाता है, विच इज अगेन नॉट अ डिसऑर्डर। ओके, मतलब आप परेशान हो, तो इसीलिए परेशानी की वजह से होने वाले जो इतने सारे आपको फिजिकल मैनिफेस्टेशंस हो रहे हैं, मेंटल हेल्थ मैनिफेस्टेशंस हो रहे हैं, उसको डिस्फोरिया कहते हैं। ओके, तो इसलिए आप प्लीज ये क्लियर रखिए कि इसको जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर नहीं कहते हैं, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यहाँ जरूरी है पूछना कि किस तरह हमें चीजों को अज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग आजकल बहुत सी चीजें अज्यूम करते हैं। जब इस बारे में बात आती है तो इस बारे में लोगों के अज्यूमिंग पार बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा है। जैसे तो मैंने बोला ना, इमीडिएटली गालियां बोल देंगे, जैसे छक्का है, या मीठा है, गुड़ है, ये है, वो है। आई डोंट इवन नो अबाउट दिस टर्मिनोलॉजीज अर्लियर। साइकेट्री में आने के बाद मुझे पता चला कि ऐसा सब भी होता है और लोग कहते हैं। तो जी, तो हम लोग हमेशा बात करते हैं कि अजम्पशंस के पहले आपने किसी को भी उनके प्रोनाउंस पूछने चाहिए। ओके, दैट व्हाट डू दे आइडेंटिफाई विद। ओके, जैसे ओके, यू आर अ फीमेल, यू हैव लॉन्ग हेयर, यू ड्रेस लाइक अ फीमेल, यू वॉक लाइक अ फीमेल, यू टॉक लाइक अ फीमेल, सो यू आइडेंटिफाई एज अ फीमेल, बट दिस इज नॉट समथिंग दैट आई कैन अज्यूम। ओके, तो इसलिए मैंने हमेशा पूछना चाहिए कि मीनाक्षी आपके प्रोनाउंस क्या है। तो इफ यू से शी हर आर माई प्रोनाउंस, then I should call you she, female. ठीक है। अब काफी लोगों को वो कैसे भी दिखते हो, कैसे भी चलते हो, कैसे भी बात करते हो, आपने हमेशा ये क्वेश्चन करना चाहिए। और काफी लोग ऐसे भी आइडेंटिफाई करते हैं विद द अदर जेंडर, राइट? ओके, सो अ पर्सन हु इज लुकिंग लाइक अ फीमेल टू अस, उनको प्रोनाउंस पूछेंगे तो शी में से, और रादर ही में से, बिकॉज मेंटली इट्स ही, कि मेरे प्रोनाउंस ही है, ही हिज है, तो ही हिज करके ही मुझे बुलाओ। सो इट इज वेरी डिसहार्टनिंग कि लोग अज्यूम करके पहले से ही कुछ भी कह देंगे, और वो सामने वाले को ना और डिस्फोरिया उसका बढ़ते जाता है इसकी वजह से। एक्चुअली दिस इज हाउ द डिस्फोरिया इंक्रीजेस, बिकॉज पब्लिक जस्ट अज्यूम्स। अब जो मैंने बोला नॉन बाइनरी, ठीक है, मतलब वो दोनों के साथ आइडेंटिफाई नहीं करते, दे आर जेंडर फ्लूइड, तो दे आइडेंटिफाइज दे देम, ना ही शी कुछ नहीं, हम दे हैं, हमको वैसे ही बोलो, और उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए आपको। राइट। अभी एक सिनेरियो ऐसा है कि अवेयरनेस बढ़ रहा है, पीपल आर नोइंग अबाउट इट, राइट? अब लोग खुल के बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं। देयर इज अ सेक्शन जो नहीं कर पा रहा है, बट अवेयरनेस बहुत जरूरी है। डू यू थिंक कि अवेयरनेस बढ़ा है इन चीज़ों को लेकर? आर पीपल कमिंग फॉरवर्ड टू टॉक अबाउट इट क्लियरली एंड ओपनली? आजकल मैं इनफैक्ट देख रही हूँ कि काफ़ी लोग आर मेकिंग इट अ पॉइंट टू पुट दिस ऑन देयर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक हैंडल्स। तो जब वो छोटा सा बायो रहता है ना, उसमें जनरली पीपल आर पुटिंग कि यू नो हिज, इनफैक्ट हाँ कुछ लोग आइडेंटिफाइज बोथ ऑल्सो। अच्छा, हाँ, कि ही शी, हाँ, दोनों, बिकॉज वो फ्लूडिटी की वजह से कभी दे फील लाइक दिस, कभी दे फील लाइक दैट, कभी दे बिहेव लाइक दिस, कभी दे बिहेव लाइक दैट। तो पीपल आर एक्चुअली पुटिंग दे देम, ही हिम, शी हर ऑन देयर प्रोफाइल्स। एंड नाउडेज मैंने ये भी नोटिस किया है कि हम लोग जो वर्कशॉप्स में जाते हैं काफ़ी हद तक, तो आपका वो एक आईडी बनता है जिसको लटकाना होता है कॉन्फ्रेंसेस में, सीएमईज में, वगैरह वगैरह। उसमें एक्चुअली आपके नाम के नीचे वो पूछते हैं कि आपके प्रोनाउंस डालने हैं। ओके, इज इट हैपनिंग? इट इज हैपनिंग। तो वो प्रोनाउंस फिर हम लोग बताते हैं। ओके, तो वो बिना पूछे किसी के नहीं डालते, वो प्रॉपरली डालते हैं। ओके, आर पीपल अप्रोचिंग द फिजिशियन? क्योंकि कहीं ना कहीं एक साइकियाट्रिस्ट को अप्रोच करना या किसी फिजिशियन को अप्रोच करना, क्योंकि जब ये फीलिंग आप ओपनली बोलने के लिए तैयार होते हो, तो क्या
साइकियाट्रिस्ट के पास लोग अप्रोच कर रहे हैं अपनी डिफ़िकल्टीज़ को, अपने माइंड सेट को रखने के लिए? तो एक्चुअली हम ये चीज़ कहते हैं ना कि जेंडर आइडेंटिटी फ्रेंडली साइकियाट्रिस्ट. अच्छा. ओके. या यू मे से दैट SOGI स्पेशलिस्ट वगैरह वगैरह जो होता है, जनरली लोग उन्हीं को अप्रोच करते हैं. अदरवाइज यू नो, क्योंकि लोग भी खुद डरते हैं कि सामने वाला फिजिशियन हमको अज्यूम कर लेगा. हमारे मतलब पहले से ही, से फॉर एग्जांपल आप फिजिशियन के सामने जाके बैठ गए, ठीक है, और वो फिजिशियन ने आपको देख के, देखते ही आपके प्रोनाउंस डिसाइड कर लिए, आपको कैसे एड्रेस करना है डिसाइड कर लिया. ओके. तो ऑब्वियसली दैट डिस्फोरिया विल इंक्रीज. आप वो डॉक्टर के पास वापस नहीं जाओगे. ट्रू. तो हाँ, ये काफ़ी कम लोग जाते हैं. काफ़ी कम फिजिशियंस ऐसे हैं जिनके पास जाते हैं हु आर अप्रोचेबल. अभी जैसे इफ आई डिक्लेयर दैट आई स्पेशलाइज इन दिस एंड आई एम अ फ्रेंडली साइकियाट्रिस्ट इन दिस इशू, देन द पीपल विल रियलाइज एंड देन दे विल स्टार्ट अप्रोचिंग. उसके पहले तक के जनरली कोई डायरेक्टली आकर बात करेगा ऐसा अभी भी नहीं हो रहा है. okay. जो कि होना चाहिए एक्चुअली. बट ये भी बात सही है कि जब पता ही नहीं है आपको कि सामने वाले को उतना नॉलेज है या उसकी वो स्पेशलिटी है या नहीं, या वो आपको पहले ही अज्यूम ना करने लगा है. तो ये सारी चीजें अगर आपको पहले से किसी डॉक्टर के बारे में पता है तभी आप उसको अप्रोच करोगे ना. राइट. तो अगेन इट्स अ विशियस साइकिल. सो यू नीड टू गो आउट देयर, लाइक इवन द डॉक्टर्स नीड टू गो आउट देयर एंड डिक्लेयर दैट आई स्पेशलाइज इन दिस एंड आई एम दिस फ्रेंडली, सो प्लीज अप्रोच मी फॉर व्हाटएवर. ओके. एंड इट शुड हैपन आई थिंक, क्योंकि चीज़ें जब तक आगे नहीं आएंगी, और मुझे लगता है कि इस लेवल पे चाहे साइकियाट्रिस्ट हो चाहे फिजिशियंस हो, उन्हें भी उतना ही हेल्प करना ज़रूरी है. बिकॉज़ अगर वो ही उस तरीके से हेल्प नहीं कर पाएंगे तो डिफ़िकल्टी और बढ़ जाएगी, और जैसे आपने कहा कि डिस्फोरिया और बढ़ जाएगा. राइट. जैसे मैं लास्ट टाइम ही एक गायनेकोलॉजी के कॉन्फ्रेंस में गई थी. ठीक है. दे हैड इनवाइटेड मी एज अ स्पीकर देयर. तो उसमें भी लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन है, मतलब गायनेकोलॉजिस्ट को भी काफ़ी कन्फ्यूजन. अच्छा. है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी को लेकर. ओके. तो जैसे मैंने उनको बोला कि आप काफ़ी बार यू कुड बी द फर्स्ट बैरियर. यस. तो आपके पास हो सकता है पहले कोई आए विद देयर जेंडर आइडेंटिटी, क्योंकि वो गायनेकोलॉजिस्ट है ना. तो मैंने जब उनको बताया, HRT जब एक साइकेट्रिस्ट साइन करता है तो वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास ही जाता है, बट उल्टा भी तो हो सकता है. हाँ? कि पहले वो गायनेकोलॉजिस्ट को अप्रोच करें. यस यस. तो इसलिए उनको भी समझाना बहुत ज़रूरी था कि हाउ टू बिहेव, व्हाट टू से, ताकि आपके पेशेंट्स आपके पास रहे. राइट राइट. कमिंग टू HRT. जी. ये क्या चीज़ है एंड HRT वर्क? ओके. HRT इज हॉर्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी. तो जैसे मैंने पहले बताया कि इफ़ यू फील utter level of dysphoria because you are born in somebody else's body, तो आप approach करोगे या आप चाहोगे कि मेरे काश physical characteristics भी वो दूसरे gender जैसे हो जिसके साथ मैं identify करता हूँ, करती हूँ, जो भी है या करते हैं. ओके. तो उसके लिए क्या करना ज़रूरी है कि आप एक physician को approach करिए अगर आपको सच में उसके body में जाना है, या you want the फिजिकल एंड सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट जेंडर, तो आप अप्रोच करिए तो वो आपको फिर नोटिस करते हैं. ओके. कि आप वो दूसरे जेंडर रोल में कंफर्टेबल हो या नहीं. ओके. सोशली. ओके. कि आप कितना कंफर्टेबल हो जेंडर रोल में. फिर उसके बाद वी साइन ऑफ द साइकियाट्रिस्ट साइन ऑफ ऑन HRT, दैट इज हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ताकि वो दूसरे जेंडर का हार्मोन आप लेकर आप अपने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस ला सको. ठीक है. जैसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, से फॉर एग्जांपल एक फीमेल बॉडी वाले को फील्स लाइक अ मैन फ्रॉम विद इन एंड वांट्स टू गो फॉर HRT. ओके. तो उनको टेस्टोस्टेरोन दिया जाएगा, उनको एंड्रोजेंस दिए जाएंगे. अच्छा. सो देन उनका ब्रेस्ट प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा. अच्छा. ऑटोमेटिकली थ्रू हार्मोन थेरेपी. उनको चेस्ट हेयर आने लगेंगे, उनको अंडर आर्म हेयर बढ़ने लगेंगे, जो टिपिकल मेल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो सब होने लगेगा. ओके. फिर थोड़ा बहुत नीचे में भी जेनिटल्स में ग्रोथ होने लगती है. अच्छा. टू स्टार्ट रिजेम्बलिंग अ पेनिस काइंड ऑफ अपीयरेंस. तो ये हार्मोन से उतने उतने चेंजेस शुरू हो जाते हैं. ओके. फिर उसमें भी अगर कोई कंफर्टेबल है, सो देन वी रेफर फॉर SRS. अब SRS पे तो मैं बाद में आऊंगी. हां, एक्चुअली आई वाज कमिंग ऑन दैट, बट इससे कंप्लीट करते हैं. या तो अभी सेम एग्जांपल जैसे हम इनका देते हैं, हु वांट्स टू बिकम अ फीमेल. ओके. ठीक है. तो उन्हें हम देंगे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, बाकी जो फीमेल हार्मोन्स रहते हैं वो सब जाते हैं. और उसके बाद देन उसमें होता है कि देन ऑन द मेल बॉडी दे स्टार्ट डेवलपिंग ब्रेस्ट्स. ओके. थोड़े थोड़े
उनके फेशियल हेयर कम होने लग जाते हैं, बियर्ड और मुस्टैच गायब होने लग जाएगी. ठीक है, तो जो भी फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आने लग जाते हैं. सिमिलरली जो पेनिस का साइज है वो कम हो जाएगा, इट विल स्टार्ट रिसीडिंग टू स्टार्ट रिजेंबलिंग अ मोर फेमिनिन काइंड ऑफ जेनिटल. अच्छा, तो ये सब होता है हार्मोन थेरेपी से. ओके, कमिंग टू SRS व्हिच इज सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी. जी, नाउ व्हाट इज दिस एंड हाउ दिस वर्क्स. तो ये प्रोसीजर जब लोग कंप्लीट कर लेते हैं और इसमें कंफर्टेबल रहते हैं, क्योंकि दिस इज रिवर्सिबल, राइट, एक बार हार्मोन आप रोक दो the things will get reversed. Achha. क्योंकि original जो उनके hormones हैं वही act करेंगे. Right, right. Okay. तो reversible है, इसलिए पहले हम उसमें भी observe करते हैं. Okay. कि पहले तो ये socially comfortable था, थी या थे in that role. Right. उसके बाद अभी वो आगे चल के हार्मोन थेरेपी के बाद भी वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में भी कंफर्टेबल है. Right. उसके बाद अगर फिर आगे बढ़ के उन्हें ऐसी इच्छा है कि हमें सर्जरी करानी है to have a complete appearance of the gender we identify with, तो उसे कहते हैं sex reassignment surgery. Okay. Okay. अब उसमें ऐसा होता है कि जैसे again giving the same examples, अगर किसी कोई female body का है, उसको एक man बनना है, okay, तो hormone तो दे दिए, अभी आगे कैसे, तो obviously पूरा penile development तो होगा नहीं होगा, तो वो surgery से होता है. Okay. कि extra flaps निकाले जाते हैं और उसको जोड़े जाते हैं. अच्छा, टू मेक अ पेनिस. ओके, ठीक है. सिमिलरली जो क्लिटोरिस जो होता है, व्हिच इज द एक्साइटेटरी पार्ट इन विमेन, उसके नर्व एंडिंग्स ग्लांस पेनिस जो होता है ना, जैसे पेनिस के एंड में जो होता है, व्हिच इज एक्साइटेटरी फॉर मेन, तो उसके नर्व्स आगे एक्सटेंड करके पेनाइल एंडिंग में डाले जाते हैं, ताकि व्हेन दे वांट टू हैव एन ऑर्गेज्म दे कैन हैव एन ऑर्गेज्म. एट द सेम टाइम यूरेथ्रा को लंबा किया जाता है ऐड करके, ताकि यूरेथ्रा प्रॉपरली पेनिस के एंड में ही रहे. तो सारी चीजों की सर्जरी होती है. सिमिलरली जैसे टॉप सर्जरी हम कहते हैं, तो टॉप सर्जरी में अगर किसी को मैन बनना है तो मतलब उसका ब्रेस्ट हटाया जाएगा, ब्रेस्ट टिश्यू जो रहता है. ओके, अगर किसी को वुमन बनना है तो देन द टिश्यू विल बी एडेड. ओके, ओके, सपोज अ मैन वांट्स टू बिकम अ वुमन, तो दैट विल बी एडेड. सिमिलरली देन द पेनिस विल बी रिमूव्ड एंड अ वजाइना विल बी क्रिएटेड, व्हिच इज कॉल्ड वजाइनोप्लास्टी. अच्छा. सिमिलरली जो ग्लांस पेनिस के एंड में जो एक्साइटेटरी नर्व्स थे उनको रिड्यूस करके एक क्लिटोरिस बनाया जाएगा. सिमिलरली वजाइना के अंदर का जो जी स्पॉट होता है वो बनाया जाएगा. ठीक है, ताकि व्हेनेवर दे वांट टू हैव एन ऑर्गेज्म दे कैन. एट द सेम टाइम यूरेथ्रल ओपनिंग जैसे डिफरेंट रहती है क्लिटोरिस के नीचे, वो अलग से बनाई जाती है. तो ऐसी सारी सर्जरीज होती है, दैट इज कॉल्ड सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरीज. बट ऑन टॉप ऑफ इट और भी सर्जरीज कुछ लोग जाते हैं, जैसे उनको वॉइस चेंज करना है अपना. अच्छा, हाँ, तो आजकल उसकी भी सर्जरी होने लगी है. ओह, आप कॉर्ड्स की सर्जरी करा सकते हैं. राइट, ठीक है, ताकि वो उस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट हो टोटली जिसमें आवाज वो जेंडर की आए. ओके, सिमिलरली जैसे फेमिनाइन फीचर्स अभी जिसको चाहिए तो वो जाते हैं, मतलब दे आल्सो वर्क ऑन दिस, दे वर्क ऑन देयर लिप्स, एवरीथिंग इज पॉसिबल. राइट, एवरी जैसे बोटॉक्स कराते हैं ना लोग नॉर्मली, भी तो कराते हैं, तो वैसे यहाँ पे भी होते हैं. यहाँ पर भी होते हैं. यहाँ रिस्पेक्टफुली एड्रेस करना बहुत जरूरी है. जी, इस पर बात करनी बहुत जरूरी. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? एग्जैक्टली, तो मेरे को वही कहना है कि आप अज्यूम कुछ भी ना करें, किसी को भी देख के कभी भी कुछ भी अज्यूम ना करें. ठीक है, कोई क्या आइडेंटिफाई करता है या आपको नहीं पता. एंड आप अगर खुद से नोटिस करते हो, आपके खुद में भी या आपके घर में भी, तो आपने ये नोटिस किया होगा कि हर कोई आजकल जेंडर फ्लूइड ही रहता है, बिकॉज स्टीरियोटिपिकल रोल्स कोई नहीं निभाता. राइट, क्योंकि दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है, फीमेल्स ऑल्सो हैव टू फाइट द रेस एंड मेल्स ऑल्सो हैव टू फाइट द रेस. सो इन दैट जर्नी आप दोनों भी काम कर रहे हैं, दोनों भी प्रोफेशनल्स हैं, दोनों को घर का भी काम करना है, दोनों को बच्चे भी संभालने हैं. अभी आजकल वो पैटर्निटी लीव क्यों आने लगी है? तो पहले क्या, पहले लोग बोलते थे कि अरे तू क्या लड़कियों जैसा रहेगा, तुझे क्या क्यों चाहिए पैटर्निटी लीव, या अगेन वही सब वर्ड्स यूज करना कि तू मर्दाना नहीं है, तू औरतों जैसा है, तू इवन विद विमेन वो होता है, तू तो बहुत मर्दानी है, ऐसा है वैसा है. वेरी ट्रू. तो ऐसा नहीं है, जेंडर रोल्स में ऐसा है कि ऑलमोस्ट एवरीबडी इज फ्लूइड, एवरीबडी इज टेकिंग अप ईच अदर्स रोल्स. राइट, तो आप अगर अपने घर में वो नोटिस कर रहे हो तो फिर आप दूसरों को क्यों अज्यूम करके कुछ एड्रेस करोगे? सो ऑलवेज आस्क बिफोर अज्यूमिंग. राइट, the one who want to transmit, कहीं ना कहीं ये सर्जरी चाहते हैं but still there is something inside कि क्या ये सही होगा, क्या ये गलत, because
ये चीज ऐसी है कि थॉट तो है, करना तो है, बिकॉज वी वॉन्ट दैट राइट, मुझे वहां कंफर्टेबल फील होगा, बट फिर भी ये जो सोसाइटी है इसके पर्सपेक्टिव से वो जो उसके खुद के जो थॉट्स है वो बहुत फ्लक्चुएट होते हैं, यहाँ आप उनको क्या कहना चाहेंगे? ये पता है कब होते हैं? ट्रांजिशन के टाइम पे ही होते हैं. जब क्योंकि ट्रांजिशनिंग फेज है, वो चलता जा रहा है, तो उस टाइम पे होता है वो. अदरवाइज जो होता है जनरली इट डजंट हैपन वंस यू हैव ट्रांजिशन. अगर आप ट्रांजिशन लोगों को देखोगे तो वो ऑलरेडी कम्प्लीटली लुक लाइक मैन इफ दे हैव ट्रांसफॉर्म्ड एंड दे लुक लाइक वेमेन. तो उनको ट्रांस मैन या ट्रांस वुमन बोलना ही नहीं चाहिए बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे हैव बिकम वुमेन, दे हैव बिकम मैन. राइट, एज सिंपल एज दैट. राइट, lastly aap kya message dena chahenge as a psychiatrist, because this is very important. As a psychiatrist main yahi message dena chahungi ki aap jitna bhi approach kar sake ek proper psychiatrist ko hi kare. aur degree wale psychiatrist ke paas hi jaye, please kisi quack ke paas na jaye jo keh denge aapko ki hum aapko theek kar denge. तो ऐसा नहीं होता है. ये कोई डिसऑर्डर नहीं है या डिजीज़ नहीं है जिसका कोई क्योर होना चाहिए. उसका क्योर इनफैक्ट यही है कि आप साइकेट्रिस्ट के पास आके बताइए कि आपको डिस्फोरिया हो रहा है, आपको ट्रांसफॉर्म करना है, यू फील लाइक द अदर जेंडर, एंड देन स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग विद देयर हेल्प. एंड प्लीज़ अपने आसपास के सोसाइटी को भी जितना एजुकेट कर सकते हैं वो आप करिए, और अगर आपके पास पास ऐसा कोई है जिसे जाना है फॉर ट्रांसफॉर्मेशन तो उनकी मदद करिए. राइट, थैंक यू सो मच सुरभि फॉर इतनी नॉलेज देने के लिए, और कहीं ना कहीं इस पर बात करनी बहुत ज़रूरी है, और हम ऐसी बातें और भी करते रहेंगे हमारे दर्शकों के लिए, बिकॉज आई थिंक कि दिस इज़ अ सब्जेक्ट जहाँ लोग बात तो करना चाहते हैं लेकिन फिर भी छुपते छुपाए बात करते हैं. अब बहुत ज़्यादा चीज़ें बदल रही हैं, सिनारियो चेंज हो रहा है, हम बदल रहे हैं, एडवांसमेंट आ रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो हमें भी हमारे माइंड सेट को बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ पर बात करने की बहुत ज़रूरत है, और हमें किसी को जज करने की नहीं है, मेल फीमेल बोथ, ये सारी चीजें हमें अब बात करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अब दुनिया बदल रही है, अब हमारे थॉट्स बदल रहे हैं, तो जो जैसा है वो वैसा खुश है, उसे खुश रहने दीजिए, आप भी खुश रहिए, अपनों का ख्याल रखें, मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ, तब तक दीजिएगा इजाजत, नमस्कार. बीमारियों से अगर आप है परेशान, क्या करें क्या ना करें अगर सोच ने कर दिया है आपको हैरान, नहीं मिल रहा अगर आपको कोई आराम, क्या मन में है ऐसे कई सवाल जो पूछना चाहते हैं आप डॉक्टर से, तो हो जाइए तैयार. डायबिटीज, ओबेसिटी, हार्ट प्रॉब्लम्स और कैंसर जैसी जटिल बीमारियों पर आपका अपना शो माय डॉक्टर, सिर्फ वीकेबी न्यूज़ पर.